कक्षा 10 विषय हिंदी काव्यक्रम 7 लेकर मैं सतीश पंडित इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमार शाला स्वामीनारायण गुरुकुल कण्भा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कविता रही है जन्मभूमि, जिसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत और आज़ादी के आसपास का समय 1920 से 1950 का समय छायावाद के नाम से प्रसिद्ध रहा था, जिसमें छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ कवियों में से एक कवि रहे हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की कविता प्रकृति से युक्त होती है, कुदरती सौंदर्य उसमें बहुत अधिक देखा जाता है और लोग ऐसा भी कहते हैं प्रकृति और पंत दोनों मानो पर्याय बन गए हैं, पर्यायवाची शब्द की तरह बन गए हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला जो है उसका कौसानी गांव जो है वहां उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। उन्होंने पढ़ाई पूर्ण कर वाराणसी गए और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी वे शामिल हुए थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सब उस समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। जन्मभूमि कविता हमारे देश से संदर्भित रही है कि हमारे भारतवर्ष की भूमि कितनी पवित्र है, इसकी पवित्रता और इसके चरित्र एक उदाहरण बन गए हैं। तो आइए सर्वप्रथम जन्मभूमि काव्य का मैं वाचन करता हूँ। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, जिसका गौरव बाल हिमाचल स्वर्ण धरा हसती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथिते गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। जननी जन्म भूमि प्रिया अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, जननी जन्म भूमि प्रिया अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता बजा अमरे प्राणों की बंसी। जननी जन्म भूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, जननी जन्म भूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी। सावित्री राधा सी नारी उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी जड़ता बनी चेतना सरसी, शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिद मनभ में करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणे बरसी। जननी जन्म भूमि प्रिया अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, जननी जन्म भूमि प्रिया अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, आज युद्ध जर्जर जग जीवने पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम उसके मुख पर ज्योति नवलसी,
जननी जन्म भूमि प्रियापने जो स्वर्गादपि चिर गरीयसि। क्या कह रहे, जननी जन्म भूमि प्रियापने जो स्वर्गाद, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कोई हो हमारे लिए तो वह हमारी जननी अर्थात हमारी माँ है और हमारी जन्मभूमि है। तो यहाँ अपनी माँ और यहाँ जन्मभूमि की बात की है कि हमारे जीवन में दो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, एक माँ और दूसरा जन्मभूमि। इन दोनों का स्थान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है इन दोनों का स्थान, क्योंकि माँ जो है वह तो इस धरती से भी वजनदार है हमारे लिए, क्योंकि उसने हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण कार्य किया होगा हमें बड़ा करने में, उसका योगदान अमूल्य रहा है। और यह धरती माता भी एक माँ ही है। तो जननी जन्म भूमि प्रिया अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, हमारी जननी हमारी माता और हमारी जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। किससे भी महान है? स्वर्ग से भी महान है। कवि क्या कह रहे हैं? स्वर्गादपि चिर गरीयसी, स्वर्गादपि चिर गरीयसी, चिर गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी ज्यादा गौरवपूर्ण है। जिसका गौरव भाल हिमाचल स्वर्ण दरास। क्या कह रहे? जिसका गौरव भाल हिमाचल, हिमाचल जो है हिमाचल की कंदरा, हिमाचल यानी यहाँ हिमाचल प्रदेश नहीं, एक स्टेट या एक राज्य का नाम नहीं लिया गया है, यह हमारे भारतवर्ष का गौरव, भारतवर्ष का नाम बढ़ाने वाला पर्वत हिमालय पर्वत, की जिसकी पहाड़ियाँ उत्तर भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक फैली हुई है, उसकी बात की गई है कि वह हमारे देश का मस्तक है। बाल यानी मस्तक, यहाँ पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे, बाल यानी मस्तक, मस्तक की बात की गई है, माथे की बात की गई है। जिसका गौरव भाल हिमालय, कि यह हमारा हिमालय हमारा मस्तक है हमारा भाल है। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, हमारे देश की धरती सुवर्ण सोने से भी श्रेष्ठ है, सोने के समान है। सही बात है, हमारे देश की धरती बहुत ही सुंदर है। एक गाना मैंने सुना था बहुत समय पहले कि यह धरती जो है सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, गाना है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो सोना चांदी हीरा मोती आदि हमारे देश की धरती में से प्राप्त होता है। कितना अनाज का उत्पादन हमारे देश में होता है, जरा सोचिए, क्या कुछ नहीं मिलता हमारे देश की इस जन्मभूमि से। हमारी जन्मभूमि सचमुच महान है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, यहाँ गंगा और यमुना के जल की बात की गई है कि ज्योति यानी प्रकाश, प्रकाश से ग्रथित गंगा यमुना जल है। गंगा के जल के बारे में और भारत की मुख्य नदियों के बारे में एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंगे से यमुने एवं गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। बहुत ही सुंदर नदियाँ है कि जिनका नाम लेने मात्र से ही हमारे जीवन में प्रकाश फैल जाता है। ऐसी सुंदर नदियाँ कहाँ है? हमारी जन्मभूमि में है, हमारे भारतवर्ष में है। जहाँ राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, भगवान श्री कृष्ण की बात की गई है, भगवान श्री रामचंद्र की बात की गई है। भगवान श्री रामचंद्र इस भारतवर्ष की भूमि में पैदल चले थे, उन्होंने भ्रमण किया था उत्तर से लेके दक्षिण तक। भारतवर्ष का भ्रमण राम लक्ष्मण और सीता ने किया था, उसका वर्णन यहाँ देखने को मिलता है कि राम लक्ष्मण और सीता ने भारत भ्रमण किया और इस भारत वर्ष की धूल को पवित्र किया है। पद धूलि पुनीता, पुनीता यानी पवित्र, कि हमारे देश की धूल को पवित्र करने का कार्य
धूले यहाँ पे लिखा गया है, तो देश की धूल यानी मिट्टी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मिट्टी की। मिट्टी को भगवान श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण ने पवित्र किया है। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का गान हमारे देश की भूमि में किया है, हमारी जन्मभूमि में किया है। बजा अमर प्राणों की बंसी, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बंसी बजाते थे कि उसकी आवाज़ भी आज भक्तों के कानों में अमर कीर्ति की ध्वजा लहरा रही है। सावित्री राधा सी नारी, यहाँ सावित्री की बात की गई है कि सावित्री जो, देखो यहाँ पे स्त्री चरित्रों की बात की गई कि कौन कौन से स्त्री चरित्र है। तो भारत में जो स्त्री चरित्र कि जिनका नाम आज भी गौरव के साथ लिया जाता है, जिसमें एक है सावित्री, कि सती सावित्री जो थी वह किस प्रकार सत्यवान की जान, उनके पति का नाम था सत्यवान, वह मर गए थे, लेकिन सावित्री यमराज के पास से भी अपने पति सावित्री की मृत्यु को वापिस लेकर आ गए थे। यमराज को विवश होकर, सावित्री की पति परायण वृत्ति देख करके विवश होकर उसका जीव वापिस देना पड़ा था। ऐसी नारी राधा की बात भी बताई गई है कि राधा का परम पवित्र प्रेम आज भी अमर है, बहुत ही गौरव के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो यहाँ सावित्री और राधा की बात बताई गई है। सावित्री राधा सी नारी, उतरी उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। तो क्या कह रहे हैं कि शिला बनी तापस सुकुमारी, अहल्या की जो थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी और उन्हें शापित होकर के पत्थर का बनना पड़ा था। तो हमारे देश में स्त्रियों ने कितनी कठिनाइयों का भी सामना किया है। यहाँ अहल्या की बात की गई है। अहल्या जैसी नारी रत्न, वह पतिव्रता स्त्री थी, पति को ही परमेश्वर मानती थी, लेकिन उन्हें शापित होना पड़ा, पत्थर का बनना पड़ा और उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी ने जड़ता से चेतना मिला दिया था और अपने पाँव का स्पर्श जैसे ही उस पत्थर पर किया जो अहल्या थी और पत्थर की बन गई थी, वह पुनः जीवित हो चुकी थी। तो यह हमारी जन्मभूमि की विशेषता है। यहाँ अनेक श्री रत्न हुए हैं, अनेक नर रत्न हुए हैं। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, शांति निकेतन की बात की गई है कि शांति निकेतन जो है वह पश्चिम बंगाल में है, जहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत रत्न नोबल पुरस्कार विजेता महान संत, परोपकारी संत रविन्द्रनाथ हुए थे। तो वहाँ शांति निकेतन तपोवन है। ऐसे कई तपोवन, कई आश्रम हमारी जन्मभूमि में पाए जाते हैं। अनेक ऋषियों के आश्रम हमारे देश में है। और ऐसे ऋषि थे, ऋषि की विशेषताओं को तो देखिए कि वह अपनी मंत्रों की शक्ति से अंतरिक्ष में भी विचरण किया करते थे, कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी उड़ के जा सकते थे। ऐसे हमारी वैदिक कहानियों में हमें देखने को मिलता है, जो सत्य के बहुत ही नज़दीक है, बिल्कुल सत्य है, सत्य के नज़दीक नहीं बिल्कुल सत्य है, ऐसा कहे तो चलेगा, क्योंकि ऋषियों की जो शक्ति थी उस शक्ति को हम कम नहीं आंक सकते। जहां सत्य की किरणें बरसी, क्या कहते हैं कवि पंत जी जन्मभूमि कविता में कि सत्य की किरणें हमारी जन्मभूमि में बरसी। ऐसी कई घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन आज परिस्थिति जो खराब हो गई है, युद्ध का माहौल है पूरी दुनिया में, उससे सुमित्रानंदन पंत बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं आज युद्ध जर जर जग जीवन, आज युद्ध की परिस्थितियां पूरी दुनिया में देखी जा रही है। पुनः करेगा मंत्रोच्चारण,
लेकिन मंत्रों का उच्चारण भारतवर्ष पुनः करेगा और वह वसुदेव बना कुटुंबकम। तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना यहाँ पे बताई गई, किसकी बताई गई है? वसुदेव, वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम, कुटुंबकम अर्थात पूरी दुनिया जो है वह ही एक कुटुंब है हमारे लिए। पूरी दुनिया एक कुटुंब के समान है, हम वसुदेव कुटुंबकम में मानते हैं। उनके मुख पर ज्योति नवल सी, ज्योति यानी प्रकाश, ज्योति अर्थात प्रकाश, ज्योति अर्थात प्रकाश। जन्नी जन्म भूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चीर गरी असी। हमारा देश, हमारा भारत वर्ष इतना सुंदर है कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हमारे देश की जन्मभूमि कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर कविता है। हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छा नाम रखती है यह कविता। बहुत लोकप्रिय हुई थी यह कविता क्योंकि हमारी जन्मभूमि भारतवर्ष की जो महान विशेषताएं हैं उनका उल्लेख इस कविता में देखने को मिलता है। आप सभी विद्यार्थी इस काव्य को अच्छी तरह से समझे, काव्य के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आप अपनी हिंदी की नोटबुक में अवश्य लिखिएगा और तैयार कर दीजिएगा, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण कविता है। विद्यार्थियों, इसके बाद के वीडियो में मैं सुधा मूर्ति पाठ का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा और आगे के पाठ की चर्चा की जाएगी। काव्य क्रमांक 7 जन्मभूमि तक के स्वाध्याय तथा सुधा मूर्ति के भी स्वाध्याय आप लिख सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैं आपके समक्ष दूसरा पाठ लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। सभी विद्यार्थियों को सतीश पंडित सर का जय स्वामीनारायण।